कैच टू बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको नहीं होने देंगे किसी को भी अत्याचार। हम है आपके साथ और देखते रहिए। सब्सक्राइब करिए हमारे एस टी न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबर। जिस प्रकार से एक कार्य क्षेत्र में महिलाएं बुलंदियों को छूती जा रही हैं, जिस प्रकार से महिलाएं किसी भी क्षेत्र में विफल नहीं है, अपना परचम लहरा रही हैं। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स में। हंगामा टाइम्स की आपने खबरों में देखा होगा किस प्रकार से खास बातचीत में किस प्रकार से हम लोगों को जानते हैं, उनके बारे में उनके अनुभव के साथ में उनको साझा करते हैं। उसी प्रकार से आज हमारे हंगामा टाइम्स संवाददाता विक्रम कश्यप ने एक डोरबेल बजाई राजधानी के, जो एक जानी मानी मॉडल थी वंदना सिंह, उनसे खास बातचीत किया और जाना उनकी बुलंदियों को, किन बुलंदियों को उन्होंने छू चुकी हैं। लेकिन कुछ अनसुनी बातें देखिए हमारे हंगामा टाइम्स के साथ में उन्होंने साझा की। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज़ में और आज आपको लेकर आया हूं जानी मानी मॉडल वंदना सिंह जी के घर में। और उनको भी जानकारी भी नहीं कि हम लोग यहां पर आए हैं उनसे बात करने कि मॉडलिंग के क्षेत्र में आखिर क्यों आई। और जैसा कि महिलाओं के लिए कई ऐसी बातें हैं और काफ़ी मशहूर हो चुकी हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में कई तरह के सम्मान पा चुकी हैं, कई अवार्डों से भी नवाजी जा चुकी हैं वंदना सिंह। अभी आपको लेके चलते हैं उनके घर में, अभी उनको पता नहीं है हैं वंदना जी मिलती हैं नहीं मिलती हैं। अभी लॉक करते हैं और देखते हैं कि कोई हो तो उनसे बात करेंगे वंदना जी से और आप लोगों को भी बताएंगे कि क्या खास बात है आखिर जो मॉडलिंग के क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम पैदा किया। कोई है मैम? हम लोग हंगामा टाइम्स न्यूज़ से आए हैं, आपके बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं आपसे, आपकी मॉडलिंग के बारे में कि किस तरह से आप ने मॉडलिंग में अपना पाव जमाया और राजधानी में जो नाम आपने आज कमाया उसमें किसका किसका। ये भी हमने आपको बताया कि जानी मानी मशहूर मॉडलिंग और सोशल वर्कर के घर में हम आ चुके हैं वंदना सिंह जी के और दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से इन्होंने जो सम्मान पाए हैं, जिन अवार्डों से ये नवाजी गई हैं, वो यहाँ लगे हुए हैं। अभी मैम से पूछेंगे ये कहाँ कहाँ पर और किस समय और किस तरह से इनको ये सम्मान मिला और पाकर इन्हें कैसा महसूस हुआ। मुझे मॉडलिंग का, फैशन शोज का बहुत शौक रहा है बचपन से ही। जब मैं 95-97 में सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय को देखती थी तो मुझे लगता था यार मैं भी क्यों नहीं जा पाई, मुझे भी कुछ करना है। लेकिन उस वक्त मैं मिस थी तो थोड़ा ये, लेकिन मैं दिखाती हूँ मैंने मिस के टाइम में ये जीता था, मिस 99, मिस लखनऊ रही थी मैं, 99 में जीता था, ये मेरा फर्स्ट हेयर, मैं इसको बहुत संभाल के अभी भी रखा है। उसके बाद मैंने ये सारे ही लगभग शाने आवाज़, ये जो है ये कब का है? ये शाने अवध है, शाने अवध मुझे मिला था यूपी इंडिया की तरफ से, तो उसमें गई थी मैं, उसमें एज अ पूरा मोहम्मदन के उसमें जाना था, पूरा शरारा गरारा पूरा करके, तो उसमें मुझे फर्स्ट विनर मिला था, विनिंग रही थी मैं। और फिर मुझे ये यूपी लास्ट उत्सव 2018 का यूपी महोत्सव होता है उसमें मुझे सोर्स टॉपर एज अ बुलाया गया था, तो उसमें मैं गई थी, वहाँ पे मैं मुझे मिला। फिर ये अभी श्वेता जी का है मलिका अवध, या मलिका अवध का है क्वींस ऑफ नेशन 2019, वो मुझे मिला। ये अभी लास्ट ईयर होली के बाद हम लोग फागुन करते हैं ना, तो होली में मुझे किसी ने बुलाया था, बहुत बड़ी पार्टी करी थी, तो उसमें मिसेस फागुनी का मुझे मिला था अवार्ड। उसके बाद फिर ये मैं लास्ट में आऊँगी, फिर ये क्वीन अवध मिला मुझे 2019 अभी। उसके बाद ऐसे तो मेरे पास बहुत हैं, मैं अभी गिना नहीं सकती। फिर मिसेस लखनऊ भी रही, एज अ मिसेज इंडिया ग्लैमर शो भी किया मैंने। जैसा कि अवार्ड कई दिख रहे हैं, कई तरह के अवार्डों से आप नवाजी जा चुकी, कैसा महसूस होता है जिस समय, और जैसा कि आप एक महिला हैं तो कैसा लगा? ये सब पाकर बहुत अच्छा लगता है, हर एक महिला को बहुत अच्छा लगता है जब भी उसकी अप्रिशिएशन होता है, जब उसके अंदर की जो एक रुचि है वो जब सामने निखर के आती है, तो लोगों के साथ और फैमिली का जो सपोर्ट मिलता है वो सबसे बड़ी बात होती है। बच्चे जैसा कि मैरिज हुए अभी कितने साल हुए? अभी मेरी मैरिज में 18 इयर्स हो रहा है और मेरा बेटा 17 इयर्स का है और मेरी बेटी 8 इयर्स की है। जैसा कि मैरिज के पहले का ये पहला अवार्ड है आपका, जिससे कहीं ना कहीं अचीवमेंट थी आपकी लाइफ की, और उसी समय की रुचि थी या उसके बाद से रुचि? रुचि मेरी बचपन से ही थी, उस समय की ही थी, और फिर शादी के बाद थोड़ी सी कहीं छुप गई थी, लेकिन उसके बाद शादी के बाद फिर बच्चे घर इन सब में बहुत लगी रही। फिर लास्ट 2-3 साल से मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड ने भी बोला
कि आप बाहर निकलो, आपकी जो रुचि है वो करो, पसंद है। तो मैंने काफ़ी आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत काम किया, मैं योगा टीचर भी हूँ उसमें किया। अभी लास्ट ईयर 17 में मोदी जी आए तो उसमें मैंने पूरा यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से मैंने पूरा दिया 7,000 लोगों को। यहाँ रमाबाई अम्बेडकर में मोदी जी के साथ उन्होंने योगा किया और उसका पूरा क्रेडिट सब करता धरता मैं रही और किया। उसके बाद फिर भी कहीं ना कहीं मेरा एक कीड़ा था फैशन का, उसमें जाना था। तो फिर लगा जब नए नए लोगों के आते थे मेरे पास कि ये हो रहा है, नया कुछ करिए आगे, तो मैं जाकर मुझे अच्छा लगा वहाँ पे। तो मैंने फिर उसने शोज़ में किया, जो भी शोज़ में जाती थी तो वहाँ सब लोग कहते थे यार आप अभी तक आप कहाँ थे। और मैं हर शोज़ में जाके टचवुड मैं अपनी वो नहीं करती, लेकिन हर शोज़ में जाके एज अ जो कंटेस्टेंट होता वैसे ही मैं रहती थी, लेकिन फिर भी मैं सब चीज़ निकाल के पूरा कंटेस्ट करके और मैं जीत जाती थी। मैम जैसा कि शादी से पहले का ये एक अवार्ड जो आपको मिला, जो एक लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन शादी के बाद जिस तरह से हस्बैंड का जो सपोर्ट मिला, जब एक के बाद अनेक अवार्ड मिले, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कहेंगी फैमिली के बारे में? फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि इस लाइन में मॉडलिंग और फैशन शोज और इसमें जाना मतलब आपको काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, बच्चों को, फैमिली को, खाना पीना, उनका टाइमिंग शेड्यूल सारा बिगड़ जाता है। लेकिन उसमें अगर आपका बच्चों का और आपके फैमिली का, हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहता है, तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, आपको कहीं कोई झिझक नहीं होती है। एक मन में गिल्ट जरूर रहता है, यार मैं ये छोड़ दे रही हूँ और ये कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, लेकिन फिर दूसरी तरफ से ये लगता है कि यार ठीक है, महीने में अगर मैं 4-6 दिन अपने लिए लेती हूँ, पूरे 25 दिन तो उनके लिए कर रही हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड इसी में सपोर्ट करते हैं कि तो 4 दिन तो अपने लिए निकाल सकती हूँ, तो वो मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। तो अभी और भी बात करेंगे वंदना सिंह जी से और जानेंगे कि मॉडलिंग के क्षेत्र में आखिर रुचि क्या रही और महिलाओं के लिए, जैसा कि मॉडलिंग के क्षेत्र में आने से पहले फिटनेस सबसे जरूरी होती है, और वंदना सिंह जी एक योगा टीचर भी हैं, अभी कई बातों पर चर्चा करेंगे खास बातचीत में। अभी बैठ कर ही बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं वंदना सिंह जी से। जैसा कि अभी हमने आपको मिलाया और बताया मॉडल वंदना सिंह जी के बारे में, जो सोशल वर्कर भी हैं और कई तरह के सोशल एक्टिविटीज़ में भागीदारी लेती रहती हैं, और जिस तरह से योगा दिवस पर भी उन्होंने, और योगा टीचर भी हैं, मोदी जी के साथ योगा भी किया, क्या एक्सपीरियंस रहा, और मॉडलिंग के क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या संदेश है, और किस तरह से फैमिली का सपोर्ट मिला, खास बातचीत में आज हमारे साथ हैं वंदना सिंह जी। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं वंदना सिंह जी से कि किस तरह से कैरियर की शुरुआत हुई और क्या कहेंगे इस क्षेत्र के बारे में। शुरुआत तो मेरी, मैंने कहा कि मेरी बचपन से ही हो गई थी, मतलब शौक था मेरा मॉडलिंग का, फैशन शोज़। 97 में जब सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय बने थे, तो उस वक्त लगता था कि काश मेरे, मुझे भी यहाँ पे जाना है, मुझे भी ये करना है, तो उस वक्त था। तो फिर 99 में मिस लखनऊ का भी पार्टिसिपेट किया, तब लखनऊ में बस 1-2 शोज़ हुआ करते थे, उस वक्त बहुत ही मुश्किल हुआ करती थी शोज़ में जाना, फैमिली के साथ वो सपोर्ट करना। फिर भी मेरे फादर ने काफ़ी सपोर्ट किया और फैमिली का भी सपोर्ट काफ़ी मिला, तो 99 में मैंने मिस लखनऊ का 99 में ताज अपने सर पहना, वो मेरा छोटा सा रखा है अभी। ये जो अभी आपने ताज पहन रखा है, जो क्राउन है, ये कब का है? ये अभी लास्ट टाइम का ही है, ये मिसेज यूनिवर्स का है, अभी हिरेन जी ने कराया था शोज, बहुत बड़ा शो उनका हुआ था और उन्होंने रनवे भी कराया था, तो उसमें उन्होंने मुझे मिसेज यूनिवर्स, सुपर मिसेज यूनिवर्स का ताज मुझे मिला था, तो ये मेरा लेटेस्ट ताज। तो मैम क्या कहेंगी, महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगी, जैसा कि मॉडलिंग के क्षेत्र में आने के लिए फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो क्या कहेंगी? ये बात तो बिल्कुल सही है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत मुश्किल है लेडीज़ के लिए मिलना इस समय, क्योंकि अगर महिलाएं अगर बाहर नहीं निकलेंगी, महिलाओं देखिए, एक जो मकान होता है, मकान तो एक आदमी बना लेता है, लेकिन उसको घर बनाने के लिए
एक महिला ही घर बना पाती है बच्चों से घर से, लेकिन उनके भी अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रहता है कि मुझे कुछ करना है। किसी को, मेरे को मॉडलिंग में शौक था, किसी को कुकिंग में शौक होगा, किसी को किसी चीज़ में शौक होगा। तो मेरे ख्याल से उनको अपने लिए भी टाइम देना चाहिए। आज की महिलाएं बहुत अपनी फैमिली, बच्चों पर पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे टाइम लगी रहती हैं, लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि आप पूरा टाइम, पूरा सब कुछ अपने फैमिली के लिए करो, लेकिन अपने मन को भी कभी मारो नहीं, थोड़ा सा टाइम निकालो। मैम क्या कहेंगे, जैसा कि आप एक योगा टीचर भी हैं, तो मॉडल्स को जिस तरह से फिट रहना चाहिए, तो क्या मॉडल्स को भी ट्रेनिंग देती हैं कभी योगास की, या किसी तरह का योगा शिविर लगाती हैं? हाँ, हमारे योगा शिविर 5 डेज के 2 डेज के जो जैसे कहता है वैसे हमारे योगा शिविर लगते रहते हैं, उसमें मैं जाके सिखाती भी हूँ। और प्लस मॉडल्स के लिए भी हमारे पास कोरियोग्राफर रहता है, तो हम लोग कोरियोग्राफ भी करते हैं उनको, एज अ टीचर भी, योगा टीचर भी करके मैं उनको उस हिसाब से उनका डाइट, उनका खाना और उनका कैसे चलना है, उनको एज ए योगा के हिसाब से उनको बताती हूँ, काफ़ी पोस्चर्स बताती हूँ। तो जैसा कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, आइए जानेंगे कि जिस तरह से आज वंदा सिंह जी कामयाबी की बुलंदियों को जिन्होंने छुआ है, उनके पीछे उनके हस्बैंड का जिस तरह से हाथ रहा है, शादी के बाद से जो अनेकों अवार्ड और सम्मान उन्होंने पाए हैं, आइए उनके हस्बैंड से बात करते हैं, AK सिंह जी से, और जानते हैं कि किस तरह से सपोर्ट किया और किस तरह की बाधाएँ आई जब मॉडलिंग की शुरुआत इनकी वाइफ ने की। इसके बारे में थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि बता दूं। विवाह जब हुआ उसके बाद पता चला इन्होंने मिस लखनऊ में पार्टिसिपेट किया है, तो बड़ा विरोध हुआ। शादी पहले पता चल जाता, शादी के पहले तो शायद शादी नहीं होती, लेकिन इसके बाद जब इन्होंने इस बार ये किया है, मेरा वैचारिक रूप से कोई मतभेद नहीं था इस बात पर कि आप ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, मॉडलिंग करते हैं, लेकिन एक सामाजिक जो मूल्य हैं उसके अनुरूप चलना पड़ता है। लेकिन 17 साल के वैवाहिक जीवन में इन्होंने खुद ही अर्न किया है कि मैं इनकी मदद करता। हम 17 साल से अपने माताजी पिताजी के साथ निरंतर रह रहे हैं। मेरे पिताजी पिछले 8 साल से पार्शली पैरालाइज्ड हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, और मदर ऑल्सो पास्ड अवे आफ्टर 1 ईयर ऑफ कम्प्लीट बेड रेस्ट, मतलब सी वॉज बेड रिटन बिकॉज ऑफ पैरालिसिस, सी ऑल्सो गॉट पैरालाइज। तो ऐसी दशा में इन्होंने मेरी पूरी मदद करी, तो मुझे भी आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस कि उन्होंने, आजकल तो ये होता है या तो माँ बाप रख लो या मुझे रख लो, ठीक है, हाँ, लेकिन इन्होंने पूरे समय शादी के बाद पहले 1 साल को छोड़ के निरंतर मेरे माताजी पिताजी मेरे साथ रहे हैं, और एक संयुक्त परिवार में रहते हुए इन्होंने सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने इनकी सहयोग किया। कि महिलाओं को जिस तरह से कई बाधाएं आती हैं और सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली सपोर्ट, तो उन महिलाओं के लिए, उनकी फैमिली के लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? एक इंग्लिश शब्द है, परसीवियरेंस, धैर्य से लगे रहेंगे आप तो मिलेगा। ये बहुत मुश्किल है ना, सामाजिक एक एक पूर्वाग्रह है, कुरीतियाँ हैं, लिंग भेद है, इन सब चीज़ों से लड़ते लड़ते समय के साथ परिवर्तन आएगा, एंड यू विल गेट योर शेयर ऑफ पाई। तो उस शेयर के लिए आपको मेन से ज़्यादा आज मेहनत करनी है। इस तथ्य को मान के जब आप करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरे हस्बैंड भी, तो उनका बहुत आशीर्वाद रहा है हम पर, हर तरह से, फैमिली से, हर तरह से, उनका जब भी हमें चाहिए वो हमेशा रहते हैं हमारे साथ, तो उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। प्लस मेरे मम्मी पापा और मेरे पेरेंट्स, जो अभी मेरे पेरेंट्स हैं, पहले भी पेरेंट्स हैं, अभी मेरे पेरेंट्स हैं, ये लोग बहुत सपोर्ट इन्होंने किया हमारा, मेरे फादर इन लॉ ने भी, मेरे मदर इन लॉ ने भी, और मेरे हस्बैंड का तो पूरा सपोर्ट रहता है, 100-200% बोल दूँ तो भी कम लगेगा, पूरा सपोर्ट रहता है। तो महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको अगर कुछ कहना है, कुछ करना है, तो आप किसी से मांग कर, किसी से ज़बरदस्ती करके नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता ही है। तो आपको अपने अपने लिए कुछ करने के लिए दूसरों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, तब आप कुछ कर पाओगे। तो तभी फैमिली सपोर्ट, हाँ, तभी फैमिली भी सपोर्ट में करती है, क्योंकि आप जब पूरा फैमिली के उसमें हो जाते हो, पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, तो फिर फैमिली को भी कहीं ना कहीं लगता है इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, और महिलाओं को अपने लिए ज़रूर टाइम देना चाहिए। और महिलाएं हैं आजकल जो बहुत कुछ करना चाहती हैं,
हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। अभी मोदी जी ने तो हर जगह बिल्कुल महिलाओं का बहुत आगे कर दिया है, तो मेरे ख्याल से महिलाओं को कोई भी ऐसा काम अभी बचा नहीं जो नहीं कर सकती हैं। मेरे ख्याल से तो पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हर क्षेत्र में दिख रही हैं। क्या जैसा कि प्लेटफॉर्म की कमी की वजह से महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती मॉडलिंग के क्षेत्र में जी, तो क्या भविष्य में कभी मॉडलिंग के क्षेत्र में लोगों को प्लेटफॉर्म देने का भी काम करने वाली हैं? अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं करूंगी ज़रूर ये काम, क्योंकि महिलाओं को ये प्लेटफॉर्म में हमेशा ये लगता है कि हमको, महिलाओं को लगता है कि हम अगर इस क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स ही हों, तो उनको लगता है कि इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, बिना कॉम्प्रोमाइज़ के ये जगह है ही नहीं, लोग यूज़ करना जानते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल खुला प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर लोग, जैसे हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कोई सब कुछ खुल के बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको भी ऐसा मौका मिले, वो जाके वहाँ डरे नहीं, सहमे नहीं। तो ऐसा एक खुला प्लेटफॉर्म दूंगी जहाँ पे वो आके करें, सीखें और जाएं और जाके अपना नाम कमाएं, अच्छा महसूस कर सकें। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ खास बातचीत में वंदना सिंह, जो कि जानी मानी मॉडल हैं और सोशल वर्कर, जिन्होंने कई अवार्ड और सम्मान से नवाजी गई हैं। और जिस तरह से आज हमने बात की और जाना कि उनका जो कैरियर की शुरुआत थी किस तरह से हुई और किस तरह से उनके परिवार का सपोर्ट मिला और जो रुचि थी और महिलाओं के लिए जो मॉडलिंग के क्षेत्र में उन्होंने संदेश दिया, वो काबिले तारीफ है कि किस तरह से महिलाएँ आगे बढ़े और फैमिली, और किस तरह से वो फैमिली का सपोर्ट पा सकती हैं, ये भी वन्ना सिंह जी ने बताया। तो इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलूँगा किसी खास मुद्दे के साथ, किसी खास बात के साथ।